हाय दोस्तों, आज हम कटलेट की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, जिसको आप कभी भी बना करके खा सकते हैं। बच्चों को टिफिन में दे सकते हैं, नाश्ते में बना सकते हैं, शाम को चाय के साथ बना सकते हैं। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। एक बर्तन लेंगे, हमने एक भगोनी रखी है और इसमें हम आलू डालें। हमने आप 5-6 आलू वो करे उबाले हैं, उबले हुए आलू। ढाई सौ ग्राम पोहा है, इसको हमने फुला लिया है आधा घंटा पहले, अच्छे दो पानी में धो लिया था और फुला करके रख दिया उसको, पानी निकाल दिया पूरा और अच्छे से रख दिया। ये देखिए अच्छे से फूल गया है, इसे भी मिक्स कर लेंगे। इसमें डालेंगे एक बारीक कटी हुई प्याज, मीडियम साइज़ की प्याज है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, बारीक काटा है। 3 हरी मिर्च काटी है, आधा चम्मच नमक लिया है, नमक आप अपने स्वाद के हिसाब से डाल सकते हैं। इसको भी मिक्स कर लेंगे बराबर से। अमचूर पाउडर 1 चम्मच लिया है, आप चाहे तो टमाटर भी बारीक काट के डाल सकते हैं इसमें, तो अमचूर पाउडर का इस्तेमाल कर रहे हैं। दो चम्मच धनिया पाउडर लिया है बड़ी चम्मच में, ये देखिए। हल्दी लिया है आधी चम्मच हल्दी पाउडर, इसको बराबर से मिक्स कर लेंगे पूरा। अब हम इसे एक प्लेट पे निकाल लेंगे ताकि आगे की प्रोसेस आसानी से हो सके। इसमें बारीक कटी हुई धनिया पत्ती डालेंगे, इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है। ये हमने धनिया पत्ती इसमें डाल दी है जो बारीक काट के रखी थी, इसको भी मिक्स कर देंगे बराबर से। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि हमारे वीडियो के आने वाले नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। हम इसमें से एक एक लोई तोड़ेंगे, ये आप अपने हिसाब से छोटी और बड़ी बना सकती हैं। ये देखिए इस तरीके से करेंगे, जैसे थोड़ा सा प्रेस कर देंगे। ये देखिए कटलेट हमारा बन करके तैयार हो गया है। हम इसी तरीके से सारे कटलेटों को बना लेंगे। ये हमारे कटलेट बन करके तैयार हैं, चलिए हम इसको तलना शुरू करते हैं। गैस में हमने कढ़ाई रख दी है, तेल डाल दिया है और गैस की फ्लेम को तेज कर दिया है। अब थोड़ी देर तेल गर्म हो जाएगा, इसके बाद हम अपने कटलेट तलेंगे। तेल हमारा गर्म हो गया है, अब हम गैस की फ्लेम को धीरे कर दिए हैं और इसमें एक कटलेट डालेंगे, और डालेंगे ये देखिए हमारा थोड़ा सा पक गया, इसको पलट देंगे। इसी तरह से सारे कटलेट को पलट देंगे, ये देखिए थोड़ा सा कड़क हो जाए तभी पलटेंगे, नहीं तो अगर ज़्यादा कड़क नहीं रहेगा और पलट देंगे तो फिर वो चिपकने लगेगा। इसी तरीके से सबको पलटेंगे बराबर से। ये हमारे कटलेट पक गए हैं, ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। ये कटलेट बन करके तैयार है, इसे हमने सर्व कर दिया।